हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए एक टेस्टी से आलू के पराठे की रेसिपी लेकर के आई हूँ। जैसा हम ढाबे वगैरह में खाते हैं, सेम उसी तरीके से लेकर के आई हूँ। और ये बनाने में बहुत आसान है, बस इसको स्टफ़ करने में लोगों को दिक्कत जाती है, तो आज मैं आपको स्टफ़ करना भी बहुत अच्छी तरीके से सिखाऊँगी। तो चलिए इस टेस्टी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसकी स्टफिंग में डालने के लिए हम एक स्पेशल सा मसाला बनाएंगे। तो उसके लिए एक तड़का पैन में एक टेबलस्पून से डेढ़ टेबलस्पून जितनी सौंफ ले लीजिएगा और एक टेबलस्पून जितनी सूखी साबुत धनिया डाल दीजिएगा। उसके बाद 4 से 5 लौंग और 8 से 10 काली मिर्च को डाल करके उसमें अच्छी तरीके से रोस्ट कर लीजिएगा, जब तक कि हमारी सौंफ में से अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए। उसके बाद गैस को ऑफ कर दीजिएगा और इन मसालों को साइड में ठंडा होने के लिए रख दीजिएगा। और जब तक हमारा मसाला ठंडा हो रहा है, तब तक अपने आलू की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ के 7 आलू ले लिए हैं, जो मैंने कम से कम 2-3 घंटे पहले ही बॉईल कर दिए थे। उसके बाद इन्हें अच्छी तरीके से मैश कर लीजिएगा और इन्हें साइड में रख दीजिएगा। और जो अपना मसाला है वो अब ठंडा हो चुका है, तो इसे एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके दरदरा पीस लीजिएगा। एकदम फाइन पाउडर मत बनाइएगा, हल्का दरदरा ही रहने दीजिएगा। देखिए, हमारा मसाला बन करके एकदम रेडी है। अब 4 से 5 लहसुन ले करके उन्हें जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ उस तरीके से क्रश कर लीजिएगा और एक मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरीके से फाइनली चॉप कर लीजिएगा। तो चलिए अब फिलिंग को बनाने की तैयारी करते हैं। उसके लिए कढ़ाई में 2 से 3 टेबलस्पून जितना घी ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद उसमें थोड़ा सा जीरा डाल दीजिएगा और जैसे ही जीरा क्रैकल हो जाए उसके बाद थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिएगा। और उसके बाद जो हमने लहसुन क्रश करके रखा था वो भी इसमें ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद लहसुन को हल्का सा पका लीजिएगा। उसके बाद एक जो अनियन चॉप करके रखा था वो भी इसमें ऐड कर दीजिएगा। और अनियन को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का कच्चा ही रहने दीजिएगा। और उसके बाद जो हमने आलू फोड़ करके रखे थे उन आलूओं को भी इसी में ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा और पूरे स्टफिंग के हिसाब से नमक डाल दीजिएगा। उसके बाद इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर, उसके बाद जो हमने मसाला प्रिपेयर करके रखा हुआ था वो ऐड कर दीजिएगा, फिर थोड़ा सा गरम मसाला और उसके बाद लास्ट में इसमें 1 से 2 टेबलस्पून जितना आमचूर डाल दीजिएगा। इसकी वजह से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। उसके बाद इन सभी चीज़ों को आलू के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिएगा और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरीके से पका लीजिएगा। तो देखिए, जो हमारे आलू हैं वो 5 से 10 मिनट के बाद अच्छी तरीके से कुक हो गए हैं। तो अब इसमें 1 टेबलस्पून जितनी भुंजी हुई कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके ऐड कर दीजिएगा और गैस को ऑफ करके स्टफिंग को ठंडा कर लीजिएगा। तो देखिए, अब हमारी स्टफिंग अच्छी तरीके से ठंडी हो गई है। अब इसमें आधा प्याज मैं और ऐड कर रही हूँ, इसकी वजह से ऊपर से भी कच्चा प्याज खाने में बहुत मज़ा आता है। अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने पहले से ही आटे को गूंथ लिया था और ये जो आटा है वो नॉर्मल चपाती से थोड़ा सा सॉफ्ट डो है। उसके बाद आटे में से थोड़ा सा आटा ले करके उसको फ्लैट करके उसमें कम से कम 1 से 2 टेबलस्पून जितनी आलू की फिलिंग डालिएगा और जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ उस तरीके से इसे फोल्ड करके बंद कर लीजिएगा। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा सूखा आटा ले लीजिएगा और उसके बाद इसे अच्छी तरीके से बेलिएगा और हल्के हाथों से बेलिएगा, बिल्कुल भी आलू की स्टफिंग बाहर नहीं आएगी। और देखिएगा, ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो देखिए, आपको इसी थिकनेस का पराठा बेलना है। तो चलिए अब इसे सेक लेते हैं। मैंने तवे को अच्छी तरीके से गर्म कर लिया है। अब उसके ऊपर थोड़ा सा तेल या फिर घी लगा करके हमारे बनाए हुए पराठे को इसके ऊपर डाल दीजिएगा। उसके बाद जब पराठा एक साइड से अच्छी तरीके से सेक जाए तो इसे पलट करके दूसरे साइड पर भी तेल लगा लीजिएगा और उसके बाद फिर इसे दोबारा पलट करके पीछे वाले साइड पर भी ऑयल लगा लीजिएगा और इसे इसी तरीके से अलट पलट करके अच्छी तरीके से सेक लीजिएगा, जब तक कि इसमें हल्का गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। तो देखिए, हमारा एकदम टेस्टी वाला आलू का पराठा बन करके एकदम तैयार है, जैसे हम ढाबे वगैरह में खाते हैं। ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगता है। आप भी इस रेसिपी को अपने घर पर बना करके ज़रूर ट्राई करिएगा और आप इसे दही के साथ या फिर अचार के साथ किसी के भी साथ खा करके एंजॉय कर सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को और भी ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।